हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और आज के तारीख में हमें मिल्की वे कुछ ऐसा दिखता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज से 20 साल पहले हमारे पेरेंट्स को मिल्की वे कुछ ऐसा दिखाई देता था, तारों से भरा हुआ। यानी कि आप यहां पर क्लियरली देख सकते हो कि हमें जो मिल्की वे आज दिखता है वो तो कुछ भी नहीं है एज कंपेयर टू जो हमारे पेरेंट्स को दिखता था। लेकिन सबसे अनफॉर्चुनेट बात यह है कि ऐसा ही चलता रहा तो हमारे आने वाले बच्चों को मिल्की वे कभी दिखाई ही नहीं देगा। यानी कि वो सिर्फ और सिर्फ पुराने तस्वीरों में ही मिल्की वे को देख पाएंगे, रियल लाइफ में नहीं। वेल, जर्नल ऑफ साइंस में पब्लिश्ड एक रिसर्च के अनुसार, जहां पर 2011 में आपकी लोकेशन से 100 तारे एक साथ में दिखाई देते थे, आज के तारीख में वो घटकर सिर्फ 34 तारे ही हो चुके हैं। यानी कि एट एनी गिवन टाइम फ्रॉम नाइट स्काई यू कैन ओनली वॉच 34 स्टार्स। लेकिन ये मामला सिर्फ स्टार्स या मिल्की वे के दिखने का नहीं है, बल्कि इसका जो लार्जर पिक्चर है ना, वो वास्तविकता में एक बहुत ही गंभीर प्रॉब्लम की ओर इशारा करता है। क्योंकि ये कहीं ना कहीं ये बताता है कि हम ह्यूमंस का एग्जिस्टेंस आज के तारीख में इतना पावरफुल और डोमिनेटिंग हो गया है ओवर अदर स्पीशीज, और जिस वजह से हम ह्यूमंस पूरे पृथ्वी के भविष्य के साथ गैम्बल कर रहे हैं। और वो आपको बहुत ही जल्दी पता चलेगा ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं। आइए यहां पर एक इंटरेस्टिंग से पैटर्न पर नजर डालते हैं। आज की तारीख में इंडिया में सिर्फ 7 ही ऐसी जगह हैं जहां से हम मिल्की वे को साक्षात देख सकते। लेकिन आज जो इंडिया की करंट सिचुएशन है ना, वो अमेरिका में 1994 से ऑलरेडी हो गई थी। इनफैक्ट वहां की सिचुएशन इतनी खराब हो चुकी है, आप सिर्फ इस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि एक दिन जब उन्हें आसमान में एक ग्रेइश व्हाइट बादल दिखा तो वहां के लोगों ने लिटरली उस क्लाउड को देखकर घबराते हुए यूएस की इमरजेंसी सर्विस 911 को मदद के लिए कॉल कर लिया। सो 1994 की बात है जब यूएस के लॉस एंजलिस शहर में सुबह के 4:30 बजे एक भूकंप आया था। इस भूकंप से इतनी हलचल हुई कि शहर की लाइट चली गई और पूरे शहर में अंधेरा छा गया। और इसीलिए उन लाइट्स को ठीक कराने के लिए जब वहां के लोग अपने घर से बाहर निकले, तब उनकी नजर आसमान पर गई और आसमान को देखकर वो शॉक रह गए। वेल, क्योंकि नॉर्मली उन्हें अपने शहर से आसमान कुछ ऐसा दिखता था, पर उस दिन उन्हें आसमान कुछ ऐसा दिख रहा था, इतना क्लियर कि वो अपने आंखों से स्टार्स, प्लैनेट्स और सैटेलाइट्स तक को देख पा रहे थे। अब आसमान में तारों को देखने तक तो ठीक था, लेकिन जब उन्हें आसमान में ग्रेइश व्हाइट बादल नजर आए तो उसे देख उन्हें लगा कि शायद ये कोई एस्ट्रॉइड या मीटियोराइड है जो कि वहां पर गिरने वाला है। और इसीलिए अपनी जान बचाने के लिए उन्होंने तुरंत यूएस की इमरजेंसी सर्विस 911 पर कॉल किया और उनसे मदद मांगी। लेकिन जब यूएस इमरजेंसी सर्विस वहां पर पहुंची, तब उन्होंने देखा कि जिसे देखकर ये लोग इतना डर रहे थे, वो तो एक्चुअली में मिल्की वे गैलेक्सी है। अब सुनने में तो ये घटना काफी फनी लग रही है, लेकिन ये घटना इशारा कर रही है एक अंडरलाइंग प्रॉब्लम की ओर। जिन लोगों ने भी इस घटना के बारे में रिपोर्ट किया था ना, वो सभी लोग बच्चे नहीं थे, बल्कि सबके सब एडल्ट्स थे। मतलब उनकी एवरेज एज अराउंड 30 इयर्स की थी, पर स्टिल उन्होंने अपने 30 साल की उम्र में कभी भी मिल्की वे को देखा ही नहीं था। अब जाहिर सी बात है, मिल्की वे अपनी लाइफ में देखा या नहीं देखा उसे क्या ही फर्क पड़ता है। बहुत से लोगों को इसके बारे में पता भी नहीं होगा कि मिल्की वे वास्तविकता में दिखाई कैसे देता है। बट अगर ये सेम चीज कोई साउथ अफ्रीका जैसे जगह पर हो जाए ना, तो वहां की लाइफ पर एक मेजर इंपैक्ट पड़ जाएगा। क्योंकि अफ्रीका में कुछ ऐसे इंसेक्ट्स हैं जिनकी पूरी लाइफ आसमान में मिल्की वे कितना क्लियरली दिखाई दे रहा है उस पर निर्भर करता है। वेल, फॉर एग्जांपल, साउथ अफ्रीका में एक इंसेक्ट है कॉल्ड डंग बीटल, जिस पर 2013 में बायोलॉजिस्ट मैरी डैकी और उनकी टीम ने एक रिसर्च कंडक्ट किया था। तभी उन्होंने ये देखा कि ये बीटल्स रात को बिना किसी लैंडमार्क्स या रेफरेंसेस के हमेशा एक सीधी लाइन में चलते हैं, और इनके इस बिहेवियर को लेकर वो लोग क्लूलेस थे कि ये कैसे कर पा रहे, क्योंकि उन्हें ये तो पता था कि डंग बीटल्स जैसे इंसेक्ट्स की आंखें बहुत सारे छोटे-छोटे लेंसेस से बनी होती हैं। और यहां पर कॉन्ट्रडिक्शन इस बात पर आ रहा था कि इसी वजह से वो स्टार्स जैसे पॉइंट ऑब्जेक्ट्स पर फोकस नहीं कर सकते और उन्हें वो एकदम डिम दिखाई देते। दिस मींस कि डंग बीटल्स आसमान में स्टार्स की मदद से नेविगेट तो नहीं कर पा रहे। तो फिर सवाल ये खड़ा हुआ उन रिसर्चर्स के सामने कि आखिर वो इतने अंधेरे में भी एक स्ट्रेट लाइन में कैसे चल पा रहे। इस सवाल का जवाब जानने के लिए साइंटिस्टों ने उन बीटल्स को जोहान्सबर्ग प्लैनेटोरियम, यानी कि एक ऐसी जगह जहां पर वो प्रोजेक्टर के थ्रू नाइट स्काई को प्रोजेक्ट कर सकते थे, आर्टिफिशियली क्रिएट कर सकते थे, वहां पर ले गए फॉर द सेक ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। यहां पर वो अपने हिसाब से स्टारलाइट को मैनिपुलेट कर सकते थे ये पता लगाने के लिए कि वो बीटल्स किसकी मदद से अपना रास्ता ढूंढते हैं। और ऐसे ही एक दिन स्टारलाइट को मैनिपुलेट करते करते उन्होंने एक इंटरेस्टिंग कोरिलेशन पाया बिटवीन देयर बिहेवियर एंड मिल्की वे गैलेक्सी।
इस कोरिलेशन से उन्होंने ऐसा अनुमान लगाया कि बीटल्स आसमान में मिल्की वे के आर्म की लाइन को फॉलो करते होंगे। इस बात को कंफर्म करने के लिए उन्होंने प्लैनेटोरियम में मिल्की वे के आर्म की डायरेक्शन को कई बार बदल कर देखा, एंड दे वर राइट। उन्होंने ये देखा कि हर बार जब आर्म की डायरेक्शन बदलती थी तब बीटल्स उसी को फॉलो करके स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते थे, और इसी वजह से इट इज हाईली पॉसिबल कि अगर मिल्की वे दिखना बंद कर दे तो ये बीटल्स का बिहेवियर चेंज हो जाएगा, जिस वजह से उन्हें टाइम टू टाइम खाना नहीं मिल पाएगा और उनके एग्जिस्टेंस पर सवाल आ जाए। एंड फ्रेंड्स, यू नो व्हाट, यहां पर बात सिर्फ बीटल्स की भी नहीं है, ऐसे कई सारे और जानवर हैं जो ऐसे बिहेवियर ट्रेट्स दिखाते हैं जो कि मिल्की वे गैलेक्सी पर डिपेंडेंट है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इंडिगो बंटिंग जो कि एक बर्ड है, सी टर्टल जो कि रेप्टाइल है, इनका सर्वाइवल भी खतरे में आ जाएगा। अब अगर ये सारे एनिमल्स जो किसी ना किसी तरीके से मिल्की वे या स्टार लाइट पर डिपेंडेंट है अपने सर्वाइवल के लिए, ये एक्सटिंक्ट हो जाते हैं, तो इससे पूरा फूड चेन इफेक्ट हो सकता है और कहीं ना कहीं इफेक्ट स्पाइरल डाउन होकर इंसानों तक भी पहुंच सकते हैं और इकोसिस्टम पूरा खतरे में आ सकता है। और इसीलिए साइंटिस्ट मिल्की वे और स्टार्स के गायब होने का कारण जानना चाहते हैं। वेल फ्रेंड्स, इंटरेस्टिंगली इस मामले पर डिटेल में रिसर्च करने के बाद बाय थाउजेंड्स ऑफ साइंटिस्ट ये बात सामने आई कि इस फिनोमेनन के पीछे जो रीजन है वो है एक बहुत ही स्पेशल किस्म का पॉल्यूशन जिसके बारे में कभी पहले बात नहीं हुई, और उस पॉल्यूशन का नाम है लाइट पॉल्यूशन। दरअसल साल 2014 में इटली की नेशनल एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ नाइट एनवायरनमेंट के प्रेसिडेंट फिजिसिस्ट फेबियो फाल्ची ने नाइट स्काई को डिटेल में स्टडी किया था। इस स्टडी के दौरान उन्होंने 35,000 से ज्यादा ग्राउंड टेलीस्कोप्स के ऑब्जर्वेशंस को कंपेयर करके उनके जरिए नाइट स्काई के क्वालिटी की एक स्केल बनाई। इसके लिए फाल्ची ने आसमान में दिखने वाले सबसे कॉमन गैलेक्सीज लाइक एंड्रोमेडा और ट्रायंगुलम और सबसे ब्राइट प्लैनेट जुपिटर को कंसिडर किया, और अलग अलग लोकेशंस पर ये सारे ऑब्जेक्ट्स कितने डिम या ब्राइट दिखते हैं इसे कैलकुलेट किया। फिर उन्होंने इन कैलकुलेशंस के बेसिस पर नाइट स्काई को अलग अलग क्लासेस में डिवाइड करके इस तरह से वर्ल्ड मैप पर प्लॉट किया। अब इस मैप में एग्जैक्टली क्या देखना है ये मैं आपको बताता हूँ। तो देखो, जो एरियाज डार्क ग्रे है उनकी नाइट स्काई की क्वालिटी सबसे बेस्ट है, यानी इन लोकेशन से आप सिर्फ अपनी आंखों से भी मिल्की वे गैलेक्सी को देख सकते हो। लेकिन जैसे ही कलर्स डार्क ग्रे से ब्राइटर शेड्स की तरफ बढ़कर फाइनली व्हाइट बन जाते हैं, उन लोकेशंस पर नाइट स्काई की क्वालिटी खराब होती जाती है और स्टार्स दिखना बंद हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम इंडिया के केस में देखें तो कैपिटल सिटी दिल्ली में नाइट स्काई की क्वालिटी काफी खराब है, बट सरप्राइजिंगली अगर हम वहां से सिर्फ 800 किलोमीटर साउथ वेस्ट राजस्थान डेजर्ट की नाइट स्काई की क्वालिटी को देखें तो उसकी क्वालिटी सबसे बेस्ट दिखाई दे रही है। एंड देखो, यहां पर सिर्फ दिल्ली नहीं बल्कि सभी डेवलप्ड और पॉपुलेटेड सिटीज लाइक मुंबई, हैदराबाद एंड इवन दूसरे कंट्रीज के हाईली डेवलप्ड एरियाज जैसे न्यूयॉर्क, पेरिस, लंदन की हालत बिल्कुल सेम है। दैट मींस जहां पर पॉपुलेशन और डेवलपमेंट ज्यादा है वहां पर नाइट स्काई की क्वालिटी खराब है, क्योंकि इन सभी डेवलप्ड कंट्रीज में लाइट्स का इस्तेमाल काफी ज्यादा होता है। अब आई नो आप सोच रहे होंगे कि अगर हमने भी अमेरिकन की तरह लाइट्स को बंद कर दिया तो हमें भी मिल्की वे गैलेक्सी दिखाई देगी, तो उसमें इतना प्रॉब्लमैटिक क्या है? Well, बात एक्चुअली ये है ना कि भले ही हमने लाइट्स को बंद भी कर दिया तब भी हम मिल्की वे को नहीं देख पाएंगे। Yes, that's correct. Let's come back to the map. क्या आप इसमें एक और एक पैटर्न स्पॉट कर पा रहे हो? इन सभी सिटीज में एयर पॉल्यूशन भी ज्यादा है, और एयर पॉल्यूशन की वजह से हवा में मौजूद डस्ट पार्टिकल्स इस तरह से लाइट को स्कैटर करके इस सिचुएशन को और भी ज्यादा वर्स बना देते हैं। यानी कि ऑल इन ऑल लाइट और एयर पॉल्यूशन के कंबाइंड इफेक्ट के चलते धीरे धीरे मिल्की वे और बाकी सारे सितारे या सिंपली स्पीकिंग हमारा असली नाइट स्काई दिखना बंद हो रहा है। पर अब चलो मान लेते हैं कि अगले 50 सालों में हमने इन दोनों पॉल्यूशन को कंट्रोल कर लिया, तब भी क्या हमें मिल्की वे गैलेक्सी नो लॉन्गर दिखाई देगा? वेल, यहां पर उमड़ कर आता है एक और एक पैटर्न जो कि इस पूरे फिनोमेनन को इफेक्ट कर रहा है, और अगर वो पैटर्न कंटिन्यू रहा तो यस, फ्यूचर में भी हमारे लिए ये मुश्किल ही रहेगा। दरअसल अमेरिकन एकेडमी ऑफ ऑप्थाल्मोलॉजी के साइंटिस्टों ने 2016 में एक स्टडी कंडक्ट की थी। इस स्टडी में उन्होंने कई सारे आई डिजीजेस से रिलेटेड सर्वेस को एनालाइज करके उनके बेसिस पर एक ग्राफ प्लॉट किया था। इस ग्राफ के मुताबिक 2050 तक दुनिया के करीब आधे लोग मायोपिया से पीड़ित हो चुके होंगे। सिंपली स्पीकिंग उनकी दूर की नजर कमजोर हो चुकी होगी, और ऐसा इसीलिए क्योंकि यूके की एंग्लिया रस्किन यूनिवर्सिटी के एक आई स्पेशलिस्ट प्रोफेसर रूपर्ट बॉर्न के अनुसार लोगों का स्क्रीन टाइम इंक्रीज होते चला जा रहा है, जिसकी वजह से डायरेक्टली
उनका विजन ब्लर होते जा रहा है। और ऐसा इसीलिए, इसे समझना क्योंकि काफी इंटरेस्टिंग है। ह्यूमन आई एक कैमरा की तरह होता है जिसमें मौजूद लेंस दूर की चीज देखने के लिए फ्लैट हो जाते हैं और पास की चीज देखने के लिए कर्व हो जाते हैं। अब इस कन्वर्जन में मदद करते हैं ये हेयर लाइक सिलियरी मसल्स। तो जब सिलियरी मसल्स सिकुड़ते हैं तब लेंस कर्व हो जाता है, और वहीं इसके विपरीत जब मसल्स रिलैक्स होते हैं तब लेंस फ्लैट होकर दूर की चीजों का क्लियर इमेज ब्रेन तक भेजता है। अब ऐसे में काफी देर तक अगर आप किसी नजदीकी चीज को देखते रहोगे तो इन सिकुड़े हुए सिलियरी मसल्स में स्ट्रेन आ जाता है जिससे ये रिलैक्स नहीं हो पाते, एंड एज अ रिजल्ट जो लेंस है वो उसी फेज में धीरे धीरे करके लॉक होने लगता है। यानी कि सिंपली स्पीकिंग चीजें हमें ब्लर दिखाई देने लगती है। इनफैक्ट सिंगापुर में तो ये ऑलरेडी हो भी चुका है। आपको मे भी ये पता नहीं होगा लेकिन आज के समय में सिंगापुर लिटरली दुनिया का मायोपिया कैपिटल बन चुका है, क्योंकि वहां के 80% लोग मायोपिया से पीड़ित हैं। और इंटरेस्टिंगली सिंगापुर ही वो कंट्री है जहां पर सबसे ज्यादा लाइट पोल्यूशन भी हो रहा है। यानी कि ट्रेंड के हिसाब से सिंगापुर वो पहली कंट्री बनेगी जहां के लोग मिल्की वे को अब दोबारा कभी भी नहीं देख पाएंगे। एंड जो हाल सिंगापुर कंट्री का हो रहा है बिल्कुल उसी तरह अगर आई डिफेक्ट्स और लाइट पोल्यूशन की तादाद ऐसे ही बढ़ती रही तो 21st सेंचुरी के अंत तक बाकी सभी देशों से भी मिल्की वे दिखना बिल्कुल ही बंद हो जाएगा। अभी एग्जैक्टली कब तक होगा इसका एग्जैक्ट जवाब तो हमारे पास नहीं है, क्योंकि ये बस साइंटिस्ट द्वारा किया गया एक प्रेडिक्शन है बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग करंट ट्रेंड्स। बट जरा यहाँ पर एक मिनट रुकना और थोड़ा सोचना कि क्या मिल्की वे हमें हमेशा के लिए दिखाई देने वाला था। अगर मैं कई बिलियन सालों बाद के समय की बात करूं ना तो सिंपल शब्दों में आंसर है बिल्कुल नहीं, क्योंकि इतने समय बाद पृथ्वी पर नेचुरली काफी सारे चेंजेस घटने वाले हैं। फ्यूचर में कंटिन्यूस वोल्केनिक इरप्शंस की वजह से हमारा आसमान बादलों की एक चादर से ढक जाएगा, नतीजन पृथ्वी से मिल्की वे दिखना बंद हो जाएगा। प्लस यूनिवर्स के एक्सपेंशन के वजह से भी एक समय ऐसा आएगा जब सभी स्टार्स हमसे दूर जा चुके होंगे और इन्हीं स्टार्स के साथ मिल्की वे का सेंटर भी, जो आज हमें यहां से दिखाई देता है। आसमान में बेसिकली काला घना अंधेरा दिखाई देने लगेगा, यानी कि नेचुरली मिल्की वे कभी ना कभी पृथ्वी से दिखना बंद होने ही वाली है। जस्ट करंटली जैसे मैंने वीडियो के शुरुआत में कहा था, द मेजर इशू इज कि इंसानी गतिविधियों के वजह से ये सीमिंगली स्लो प्रोसेस आज हमारे आंखों के सामने घट रहा है। और मिसाल के तौर पर आज से बस 4 साल पहले अमेरिका में कोल्ड वेव आया था जिसके चलते टेम्परेचर इतने हद तक गिर गया था कि यूएस का सबसे हॉटेस्ट स्टेट टेक्सस, जहां का टेम्परेचर नॉर्मली 40 डिग्री सेल्सियस होता है, वहां का टेम्परेचर -18 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था और पूरा शहर बर्फ से ढक चुका था। और ये सब इसीलिए हुआ क्योंकि हमारे नॉर्थ पोल पर ठंडी हवाओं का बवंडर पूरे साल घूमते रहता है, लेकिन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, पॉल्यूशन जैसे ह्यूमन एक्टिविटीज के चलते ग्लोबल टेम्परेचर इतना बढ़ चुका है कि ठंडी हवाओं का बवंडर जो नॉर्थ पोल पर बंधा हुआ था वो यूएस के टेक्सस तक लीक हो गया। अब ये कैसे हुआ और ये ठंडे हवा का बवंडर एग्जैक्टली क्या है, इसके पीछे सिस्टम क्या है और उससे कितना नुकसान हुआ है, इस पर मैंने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बना ली है जिसे आप यहां पर क्लिक करके देख सकते हो। आपको काफी कुछ ज्ञान मिलेगा उस वीडियो से। और अगर फ्रेंड्स इस वीडियो को देखकर आपको कुछ भी नया सीखने मिला तो एक लाइक जरूर ठोकना और सब्सक्राइब कर लेना गेट्स इट फ्लाई साइंस चैनल को अपने नॉलेज को आगे भी बढ़ाते रहने के लिए। सी यू नेक्स्ट टाइम, स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।